हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। आज की जो हमारी रेसिपी है, एक कॉम्बो रेसिपी है। इसमें हम आलू चने की रसेदार सब्जी बनाएंगे चावल के साथ। तो चलिए बनाना सीखते हैं ये सिंपल इजी ट्रेडिशनल इंडियन मील की रेसिपी। सबसे पहले आपको आधा कप के जितना छोटे वाले चने भिगोने हैं, करीबन 5 से 6 घंटे। मैंने चने रात में भिगोए थे तो सुबह तक बहुत अच्छे से फूल गए ये। इसे आप 1 से 2 बार साफ पानी से धो लें, फिर उसके बाद छान के रख लें। आज ये चने की सब्जी हम डायरेक्टली कुकर में बना रहे हैं, तो इसमें पहले से उबालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक मिक्सी में मैंने 2 प्याज ली हैं चॉप करके, साथ में 9 से 10 दाने काली मिर्च के डालने हैं आपको। इसी के साथ आपको 3 से 4 हरी मिर्ची डालनी है। तीखापन अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मुट्ठी भर लहसुन की कलियाँ, करीबन 8 से 9 कलियाँ रही होंगी लहसुन की। ये पत्थर फूल का इतना बड़ा टुकड़ा मैंने डाल दिया है, तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इतना बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, एक ही टुकड़ा था जिसको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ लिया, और ये है बड़ी वाली इलायची, इसका बीज डालेंगे, ऊपर का छिलका हम हटा देंगे। बिल्कुल इस तरीके से इसमें जाएगा 1 चम्मच के जितना, ये 1 छोटा चम्मच के जितना मैंने जीरा ऐड कर दिया साबुत, और थोड़ा सा पानी, करीबन 5 से 6 टेबल स्पून के जितना, उससे ज़्यादा नहीं। इसका आपको पेस्ट बना लेना है। खड़े मसाले एकदम अच्छे से पिस जाने चाहिए। अब इसी मिक्सी में हम 2 टमाटर काट के डाल देंगे, इसका भी प्यूरे बना लेंगे। तो ये हमारा टमाटर और मसाले का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब एक कुकर में आपको 4 से 5 टेबल स्पून के जितना तेल लेना है। यहाँ पे मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक तेज पत्ता डाल दें जब तेल गर्म हो, 2 सूखी लाल मिर्च, 3-4 लौंग, 1 छोटा चम्मच के जितना जीरे का तड़का, एक चौथाई छोटा चम्मच के जितना हींग का तड़का, और 1 कटी हुई प्याज का तड़का। प्याज को आपको थोड़ा सा लाल होने तक भूनना है। जब प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, उस पॉइंट पे हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो प्याज को आपको बिल्कुल ये कलर आने तक भूनना है। अब आपको आपने जो प्याज, लहसुन और अदरक वाला पेस्ट बनाया था ना, वो ऐड कर दें, और साथ में 1/2 छोटा चम्मच के जितना मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दिया कलर के लिए, और उसी के साथ मैंने 1/4 छोटा चम्मच के जितना लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। तीखापन आप अपने हिसाब से और बढ़ा सकते हैं, मैंने थोड़ा सा कम ही रखा है, तो आप 1/2 छोटा टीस्पून के जितना इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। मसाले को बहुत अच्छे से आपको भूनना है धीमी आंच पे। अभी इसमें हमें हल्दी और धनिया पाउडर वगैरह ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने 1/2 छोटा चम्मच के जितना हल्दी ऐड कर दी, 2 टेबल स्पून यानी कि 2 चम्मच के जितना धनिया पाउडर भर के ऐड करना है, क्योंकि बॉडी उसी से मिलती है मसाले की इस रेसिपी में। 1/2 छोटा चम्मच के जितना भुना जीरा पाउडर, और 1/2 छोटा चम्मच के जितना मैंने ये गरम मसाला डाल दिया। भुना जीरा पाउडर नहीं है तो आप सिंपली जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसालों को भूनने में कभी भी जल्दीबाजी ना करें। जितने अच्छे से आप मसाले भूनेंगे, आपकी सब्जी उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर मसाले अच्छे से नहीं भुने होते हैं तो सब्जी के साथ मसालों का एक कच्चापन आता है टेस्ट में, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो मसाले बहुत ही अच्छे से आपको भूनने हैं। जब इस तरीके से साइड में तेल दिखना शुरू हो जाए, उस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने टमाटर पीस के रखा था वो, और वापस से वो ऐड करने के बाद आपको
इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे भूनना है, या तब तक जब तक कि ये जितने भी मसाले हैं ये अपनी क्वांटिटी में जस्ट आधे ना हो जाएं और साथ में इसका कलर और ज़्यादा गाढ़ा हो जाना चाहिए। आप इसमें कटे टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, बस उसको बहुत अच्छे से आपको गलाना है मसाले के साथ। जैसे हमने टमाटर का प्यूरे बना के डाला, आप टमाटर को डायरेक्टली काट के भी डाल सकते हैं। 10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, गाढ़ा रंग आ चुका है और साथ में ये पहले से आधा हो चुका है। बिल्कुल इसी पॉइंट पे आपको चने ऐड कर देने हैं। ये रेसिपी मैं 4 से 5 लोगों के हिसाब से बता रही हूँ, तो अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है कम करनी है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये बहुत ही झटपट रेसिपी है आलू चने की। जैसे चने पहले उबाले जाते हैं चने की सब्ज़ी के लिए, इसमें मैं पहले से उबाल के मैंने नहीं रखा, जैसे आपने देखा मैंने डायरेक्टली डाल दिया है। बस इसमें सीटियाँ हम थोड़ी सी ज़्यादा लगाएंगे। इसी के साथ आपको 2 उबले हुए आलू हाथ से इस तरीके से फोड़ के डाल देने हैं, और 1 टेबलस्पून 1 चम्मच के जितना ये मैंने काला वाला चाट मसाला ऐड किया है। आप मार्केट वाला भी चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला ज़रूर ऐड करें क्योंकि उससे काफ़ी चटपटी बनती है फिर ये सब्ज़ी। अगर आपको काले वाले चाट मसाले की रेसिपी देखनी है मैंने ऊपर आई बटन में डाल के रखा है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नीचे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने लिंक डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, करीबन 1 टेबलस्पून के जितना। आप हाथ से क्रश करके भी डाल सकते हैं, या पाउडर है आपके पास वो भी आप डाल सकते हैं, और नमक स्वादानुसार। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे 2 से 2.5 ग्लास के जितना, जितना भी आपको ये गाढ़ी या पतली सब्ज़ी चाहिए हो अपने हिसाब से। मैंने 2 ग्लास के जितना पानी ऐड किया। इसे ढक दें और इसको आपको सीटी लगानी है। शुरुआत की 3 सीटियां आपको हाई फ्लेम पे दिलानी हैं, बाद की आपको 5 सीटियां थोड़े से मीडियम लो फ्लेम पे दिलानी हैं। तो टोटल हमने इसमें 8 सीटियां दिलाई। आप 8 से 9 सीटियां दिला सकते हो सब्जी में। जब कुकर का प्रेशर एकदम अच्छे से निकल जाए तभी खोलें। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रंग आया है सब्जी में, साथ में सब्जी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है जैसा मुझे चाहिए था। अगर आपको थोड़ी सी तरी यानी कि थोड़ी सी पतली सब्जी चाहिए तो आप इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें। जैसे मैंने 2 ग्लास ऐड किया था, आप 2.5 ग्लास के जितना ऐड करें। यहाँ पे कुकर में मैंने 1 कप के जितना चावल लिया है, जिसे अच्छे से पानी से 1 से 2 बारी धो लें। फिर उसके बाद आपको इसमें 1.5 कप के जितना पानी ऐड करके 2 सीटियाँ लगानी हैं। तो शुरुआत वाली पहली सीटी आपको हाई फ्लेम पर दिलानी है, उसके बाद गैस की फ्लेम को धीमे कर दें, और दूसरी सीटी धीमी फ्लेम पे आनी चाहिए। फिर गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद जब कुकर में से प्रेशर एकदम अच्छे से निकल जाए तभी खोलें, आपके चावल भी एकदम अच्छे से पके हुए होंगे। तो ये हमारे चावल भी बिल्कुल रेडी हैं, आप इन्हें सर्व कर लें आलू चने की सब्जी के साथ। बहुत ही सिंपल खाना है लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इन्हें सर्व करें थोड़े से प्याज और हरी मिर्ची के साथ, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके साथ आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो ऊपर से थोड़े से फ्रेश धनिया पत्ते भी डाल सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप कुकिंग।